बस क्या होते हो बच्चा 6 महीने का हो जाए ना तो उसके बाद उसको ऊपरी आहार यानी ऊपर से भी कुछ देना है, क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चे के खाने की पूर्ति उसके माँ के दूध से हो जाती है। हमें ये बताया गया है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना है और साथ में पौष्टिक भोजन देना है। फल सब्जी दूध और साथ में आंगनबाड़ी केंद्र से दिया जाने वाला पौष्टिक आहार भी साथ में लेना है और टीकाकरण कार्ड भी बनवाया है। धात्री महिलाओं के घर जाके हम टीकाकरण पोषाहार और दवाइयों के बारे में जानकारी देते हैं। PHR के उपयोग एवं महत्व के बारे में हम समझाते हैं उन्हें। महिलाओं का समूह बनाकर हम स्तनपान के प्रति जागरूक करते हैं, क्योंकि इससे शिशु का पोषण एवं पानी की जरूरत पूरी होती है। महिलाओं को समझाते हैं कि शिशु का बौद्धिक और मानसिक विकास माँ के दूध से ही होता है। स्तनपान 6 महीने तक कराना ही कराना है। अगर स्तनपान नहीं कराएंगे तो हमारा बच्चा कुपोषित हो जाएगा और उसको दूध का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। पहले दूध कमण तो हो, अब दूध आंगनबाड़ी की मैडम थैली दी थी चुपन खा दो तो दूध बनवा ला गयो और बच्चे का स्वेत रवा ला। समय समय पर लगने वाले टीके और साफ सफाई के बारे में हम बताते हैं और साथ ही सैनिटेशन के महत्व के बारे में हम समझाते हैं। एक तो बच्चे जन्मते ही टीका लगाए, 1.5 महीना का, 1.5 महीना, 1.5, 1.5, 3 महीना, 4 ही टीका लगे। आंगनवाड़ी पे जाऊँ माने यह जानकारी मिले कि वे आर्यन कैल्शियम की गोलियां देवे जो वह बराबर समय पे ला बिकम कई बच्चों विवाह वालों वे जो वो बढ़िया हस्त पुष्ट वे कहीं कमी नहीं रहे। हर गुरुवार को पोषाहार वितरण किया जाता है, इसमें गर्भवती धात्री महिलाएं आती हैं। हर गुरुवार को 8 दिन का पोषाहार देते हैं। हम DHR के उपयोग एवं उससे बनने वाले अलग अलग प्रकार के व्यंजन के बारे में बताते हैं एवं व्यंजन प्रतियोगिता भी रखते हैं। माने आंगनबाड़ी में थैलियाँ मिलती है, पोषाहार की थैलियाँ मैडम देते हैं। मैं पहले समझ न पाती, मैंने बकरिया को खिला देती, फिर मैडम ने मुझे समझाया कि इससे हलवा बहुत तरह की सम्मान बनते हैं, तो फिर मैंने हलवा बनाया, मैं भी खाई और मेरे बच्चे को खिलाया। खुशी परियोजना के तहत व्यंजन प्रतियोगिता भी हुई थी, जिसमें हमें जो यहाँ से THR मिलता है उसे कैसे हमें यूज में लेना चाहिए, उसके क्या क्या नए तरीके होते हैं, क्या क्या रेसिपियाँ बन सकती है, उन सब के बारे में हमें बताया था। खुशी परियोजना के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी का प्रशिक्षण करो का क्षमता वर्धन किया गया। खुशी स्टाफ द्वारा गृह भ्रमण कर गर्भवती माता, धात्री, कुपोषित बच्चों की माताओं के लिए परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। इसी के साथ विगत वर्षों में गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम चलाकर कुपोषित बच्चों का इलाज ग्राम स्तर पर ही किया गया। समय समय पर खुशी परियोजना के द्वारा मिली प्रशिक्षण से हमें बहुत जानकारी मिली है। हमें समझ आया कि कुपोषण का सीधा संबंध स्वच्छता व उम्र के अनुसार उचित भोजन न मिलने से है। अब हम गृह भ्रमण के दौरान परिवारों को यह सभी जानकारी देते हैं। माता बैठक के दौरान प्रशिक्षण में सीखी गई जानकारी को बताते हैं, जिससे उनके अंदर खान पान एवं PHR के उपयोग को लेकर जागरूकता आई है। अब लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यासों में परिवर्तन हुआ है। लोग पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं। मेरे पोषण केंद्र पर 32 बच्चों का नामांकन था, जिनका हमने हर सप्ताह नाप तोल के जैसे बच्चों का वजन, लंबाई, लीमा, एमएचयू नाप इत्यादि किया। बच्चों का चिकित्सीय आंकलन करके उनको पोषण अमृत का पैकेट वजन के अनुसार दिया। पहले मेरे बच्चे कमजोरी खुशी वाला मैडम आया जानकारी दी थी, चाल नहीं सकती। आंगनबाड़ी में पैकेट देवे हर शुक्रवार ने तो मार शरीर वजन बढ़ियो, लंबाई बढ़ी, अब अच्छी है, बढ़िया है। ये हमारी बच्ची है या बहुत कमजोर थी और एक दिन कही खुशी वाला सर मारा कराया। बच्ची ने हाथ की बाहू मुँह मापी और बताया भाई मैं अस्पताल बताइए, तो फिर कही होगा मैंने अस्पताल ले गयो। आंगनबाड़ी वाला मैडम एक खाबा का पैकेट दिया, क्यों बच्ची में नरो फर्क पड़ियो और हमारी बच्ची ठीक हुई। पहले कहीं खाती पीती भी नहीं, अब सब ठीक ठाक खा रही है और हमारी बच्ची खुश है और मैं भी खुश हूँ। समुदाय आधारित समेकित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम में घर घर जाकर हमने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, इन बच्चों को हमने चिन्हित किया, इनका हमने एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट किया, इनका म्यूवेक किया। मैंने यह खुशी परियोजना बहुत बढ़िया लगी, ये कारणों
मैंने हमारी बच्ची को नाम भी खुशी रख दिया। ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए धन्यवाद खुशी। धन्यवाद खुशी। धन्यवाद खुशी। धन्यवाद खुशी। खुशी परियोजना के अंतर्गत चिन्हित अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। माताओं में 6 माह तक केवल स्तनपान कराने संबंधी व्यवहार में बदलाव तथा 6 माह पश्चात ऊपरी आहार देने संबंधी व्यवहार में बदलाव आया है। केयर इंडिया खुशी परियोजना के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करने हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, साथी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन का आभार प्रकट करता है।